गुरु नानक देव का 550वां प्रकाश पर्व देश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा रकाबगंज में मत्था टेका और सिख समुदाय के अनुयायियों के साथ लंगर चख प्रसाद ग्रहण किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने मानव सेवा को सबसे बड़ी सेवा माना है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के दिखाए मार्ग पर चलकर ही सेवा, समर्पण और त्याग से समाज का कल्याण हो सकता है। आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। गुरु नानक जी ने समाज के अंदर मानव सेवा को सबसे बड़ी सेवा मानकर और समर्पण और सेवा और त्याग से समाज को दिल जीतने का काम किया और इसीलिए आज पूरा संपूर्ण देश का, विश्व का सिख समाज समर्पण, सेवा और समानता के भाव से काम करता है। सेवा उनके जीवन का लक्ष्य होता है और समर्पण त्याग उनके जीवन के अंदर गुरु नानक जी की प्रेरणा से मिले हैं, इसलिए आज पूरे देश विश्व में सेवा और समानता के साथ संपूर्ण सेवा का काम कर रहे हैं। ये गुरु नानक जी का दिया हुआ मार्गदर्शन ही है जो समाज में परिवर्तन कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुद्वारा रकाबगंज में गुरुवाणी का श्रवण किया। इस अवसर पर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पदाधिकारियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का तलवार और सिरोपा भेंट कर स्वागत किया।